हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव आरुच। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। हम आज इन चीज़ों से क्राफ्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम वॉल पुट्टी डॉ बनाएंगे। हमें वॉल पुट्टी में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और उसे इस तरह से मिक्स करना है। अब हम इसे अपने हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम सभी पुट्टी को एक साथ में इकट्ठा करके उसका गोला बना लेंगे। हम अपनी हथेलियों से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब यह अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब हम अपनी हथेलियों से उसे इस तरह से स्मूथ करेंगे। इस तरह से करने से हमारा डॉ जो है वो काफ़ी स्मूथ बनेगा और इसे आप कोई भी शेप अच्छी तरह से दे सकते हैं। आप इसे इजीली शेप दे सकते हैं, ये बहुत ही स्मूथ बना है। जब यह डॉ रेडी हो जाए तो आप इसे एक पॉलीथीन में करके रख दें ताकि ये सूखे ना। अब हमें एक कार्डबोर्ड लेना है और उसे चिड़िया के शेप में कटिंग कर लेनी है और इसमें ऊपर साइड दो छेद और एक नीचे साइड छेद हमें कर लेना है। अब हमें डॉ को इस तरह से फैलाते हुए पूरे कार्डबोर्ड को कवर करना है। हमने एक साइड इस चिड़िया को डॉ से कवर कर लिया है, लेकिन हमने जो इसमें छेद किया था वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमने दूसरे साइड से इसे इस तरह से छेद कर लिया है ताकि हमें पता चले कि हमने छेद कहाँ। अब हमें इसके दूसरे साइड भी इसी तरह से पुट्टी को लगा लेना है। अब यह चिड़िया हमारी रेडी है और अब इसे हम साइड में रख के उसे सूखने देंगे। अब हम एक ग्लास लेंगे, उसके ऊपर पॉलीथीन से उसे कवर कर लेंगे और उसमें पुट्टी के डॉ को इस तरह से हम लगा के पूरे ग्लास के ऊपर फैलाएंगे। अगर आपकी प्लास्टिक एक जगह पे नहीं रुक रही है तो आप उसमें एक नीचे साइड में रबड़ लगा लीजिए, वो एक जगह पे फिक्स हो जाएगी। ये देखिए, आप इस तरह से रबड़ लगा लीजिए। अब आप आसानी से इसके ऊपर डॉ लगा सकते हैं। हमने पूरे ग्लास को पुट्टी की हेल्प से कवर कर लिया है, अब इसे भी हम सूखने देंगे। उसके पहले हमें ग्लास के मिडल में एक छेद कर लेना है इस तरह से। अब हमें एक डंडी जैसी बनानी है, आप इस तरह से एक डंडी जैसी बना लीजिए और इसके ऊपर साइड में आप इसमें छेद कर लीजिए। डंडी का ऊपर साइड का हिस्सा थोड़ा चौड़ा रखिए ताकि वो उसमें आप छेद करें तो वो टूटे ना। अब आप इसी तरह से चार सर्कल बना लेंगे और चारों सर्कल के मिडल में हम इस तरह से छेद कर देंगे। यह पूरी तरह से सूख जाए तब हमें इस तरह से ग्लास को निकाल लेना है और उसके अंदर जो हमने प्लास्टिक लगाई है उसे भी निकाल लेना है। अब हम इन सबको कलर करेंगे। आप अपनी पसंद के कलर भी कर सकते हैं या चाहे जो मैंने किया है आप सेम वही कलर कीजिए। हमने कलर करने के लिए एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है। अब हम चिड़िया में कलर करेंगे। हम अब चिड़िया की आंखें बनाएंगे। अब हम इस चिड़िया को इस तरह से डिजाइन बनाते हुए
हम उसे सजा लेंगे। हमें सेम डिज़ाइन दोनों साइड बनानी है। अब हम इस ग्लास के ऊपर भी इसी तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। हमें इस तरह के डिज़ाइन को चारों साइड कर लेना है। चारों साइड करने के बाद हमें इसके अंदर डॉट डॉट करके डिज़ाइन बना लेनी है। उसके बाद हम येलो कलर से डॉट डॉट करके ऊपर लाइनिंग की तरह डिज़ाइन बनाएंगे। अब हम मैक्रम लेंगे और मैक्रम की हेल्प से हम इन सारी चीज़ों को इस तरह से बांध लेंगे। हमने पहले उस स्टिक को लगाई है, फिर ग्लास को, और उसके बाद एक सर्कल लगा लिया है। और सर्कल लगाने के थोड़ी जगह के बाद हमने एक गांठ लगाई है और उसके अंदर एक और सर्कल लगा के फिर हमने चिड़िया के निचले हिस्से में इसे बांध दिया है। मैक्रम जो है उसका धागा निकलता है, तो आप इस तरह से उसे जला के और थोड़ा सा उसे दबा दीजिए ताकि वो निकले ना। अब हमें एक और छोटा टुकड़ा लेना है मैक्रम का, जो हम ऊपर की साइड में बांधेंगे। अब यह रेडी है। आप इसे इंडोर आउटडोर कहीं भी हैंग कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा लगता है। आप इसे गार्डन एरिया में हैंग करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।